गैजेट्स वगैरह छोटे छोटे, और ये देखो यहाँ पे कितना छोटा सा लगा हुआ है। पीछे तो दिखा था लास्ट वाली वीडियो में, उसमें बड़ा था, बट यहाँ पे क्रोकोडाइल छोटा है। तो ठीक है वैसे, क्योंकि यहाँ पे क्राउड वगैरह काम आता है। और इस तरह मतलब पिज्ज़ा वगैरह है, और इधर हो रही है रामलीला गाइस, है ना, तो रामलीला भी हो रही है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी जगह नहीं हो रही थी रामलीला, बट यहाँ पे स्टिल रामलीला हो रही है। तो दिखाते हैं भाई साहब, बहुत ही सुंदर दृश्य, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे तो देख के। तो दिखाता आप लोगों की रामलीला आखिर हो कैसी रही है। सेक्टर एक यहाँ पे हो रही है रामलीला, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रामायण हो रही है, और यहाँ पे जो बात की जा रही है वो केवट की बात की जा रही है, कि केवट ने उन्होंने कैसे कैसे नाव पार कराई थी। तो वही जो राम लक्ष्मण जी है जो बात कर रहे हैं अपने मित्रगणों से। देख सकते हैं गैस भीड़ यहाँ पे काफ़ी है, क्योंकि रामलीला इंटरेस्टिंग पार्ट भी होता है ना लोगों का, तो इस मारे लोग यहाँ पे देखने आते हैं रामलीला को, और इन्जॉय भी करते हैं। कई के लोग तो फुल नाइट यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं रामलीला देखने। रावण तैयार हो चुके हैं बन के, मतलब दशमी परसों है ना, दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ बन चुके हैं ना, और जलाने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। और यहाँ पे गार्ड्स आपको बैठाया गया इनकी रखवाली के लिए, क्योंकि इनको बनाने के लिए भी ना काफ़ी कॉस्टली, मतलब पेपर्स वगैरह और पैसा वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगती है ना, तो इसमें लोग सोचते हैं कि मतलब वेस्ट वगैरह ना हो जाए, कोई इनको नुकसान ना पहुँचा जाए, तो इसलिए सिक्योरिटी गार्ड बैठाया गया है। यहाँ पे देख सकते कैमरे वगैरह भी लगे इस वाले रामलीला में, वैसे तो मैक्सिमम लगे थे बट हमें नज़र नहीं आ रहे थे। यहाँ पे बकायदा लिख रखा है ना, सॉफ्टी वगैरह है, इधर कॉटन कैंडी, चाउमीन वगैरह भी है। तो मैं पूछते हैं चाउमीन कितने रुपए प्लेट है यहाँ पे। चाउमीन कितने प्लेट है? 20 रुपये। भाई कुछ बना रहे, आई डोंट नो, गन्ने का कुछ बन रहा है शायद। चूल्हे वगैरह ना सारे सीक्वेंस में लगे हुए हैं, कोई भी उलट पुलट नहीं है, लेकिन मस्त है, क्योंकि जितनी कम जगह है ना उसको फुल यूटिलाइज कर रखा है यहाँ पे। इस वाले झूले पे जो टिकट है ब्रेक डांस पे 100 रुपये, इस वाले पे है 120 रुपये, और इस वाले पे है, इस वाले झूले पे भी है 120 रुपये की, पीछे भी 120 रुपये। ये बच्चों का आज यहाँ पे देख सकते हैं डांस का प्रोग्राम भी है, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, और पर्दे वगैरह बंद कर रखे डांस वगैरह। लोडिंग है वो है 100 रुपीज़ की, और ये वाला झूला है ये भी 80 रुपीज़ का गाइस, है ना, ये बच्चों का छोटा 80 रुपये में, और ये भी 100 रुपये, 100 रुपीज़, मतलब मैक्सिमम जो यहाँ पे 100 रुपये। और ये देखो सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे हर मेले में लगती है वो यहाँ पे वगैरह गिरा के, और लकी ड्रॉ जीतने का सुनहरा मौका पाया जाता है, और इधर मतलब रिंग डाल के उसमें यह निकलने का चांसेस कम रहते हैं, बट निकलता है। और दिख रहा है आपको ये 50 रुपये का, और भाई हमें देते हैं 150 रुपये देंगे आज, मैं मस्त यार। दो यहाँ पे भी डबल डबल है, एक गेरा एक गेरा, दो भी नहीं तीन है गाइस, वन मतलब एक मिक्की माउस हो रहा, दो गेरा, तीसरा गेरा मिक्की माउस, भाई बच्चों की तो भीड़ है। छोटे वाले झूले के ऊपर पता करते हैं इस पर क्या है, इधर आइसक्रीम। यहाँ पे गाइस जो ये पीछे वाला मेला है ना, ये वाला झूला इट मीन ये 50 रुपये का छोटा है, लेकिन गैसे 50 रुपये कैसे ले, क्योंकि जिनको डर लगता है ना तो उनको छोटे झूलों पे बैठाया जाता है, और 50 रुपये इसलिए क्योंकि ये छोटा है। आज के इस व्लॉग में मैंने दिखाया आपको द्वारका सेक्टर 1 की रामलीला।
कभी पी नहीं, बचपन में गया हूँ तो याद नहीं मुझे, बट स्टिल आज तक नहीं गया जब से मुझे होश है ना। तो फिलहाल फर्स्ट टाइम जाने वाला मैं दुर्गा पूजा में आप लोगों से, तो कल की ब्लॉग में मिलूंगा मैं आपको दुर्गा पूजा में। तो बने रहिए ऐसी प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड।